वाला हूँ कि हाउ टू रिप्लेस द डार्ट बोर्ड। ये मेरा डार्ट बोर्ड है राइट, और ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है। यदि आप इसे क्लोज से देखेंगे तो इसमें थोड़े से, और इससे क्या हो रहा है कि वो बाउंस कर रहा है, वो बाउंस कर रहा है दोबारा दोबारा यहाँ से। तो मैं इसको रिप्लेस करने वाला हूँ और हम देखेंगे कि कैसे इसको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं और मैं कौन सा डार्ट बोर्ड इसमें यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी इससे। यह है Eclipse HD यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न का डार्ट बोर्ड है। इसमें ये पहले PDC का भी ऑफिशियल बोर्ड था, इसे आप देख सकते हैं PDC का लोगो है और इसमें थोड़ा ब्लैक रिंग इन्होंने दी है। इम्प्रूव फोकस स्कोरिंग एरिया एंड मिनिमाइजिंग डिस्ट्रक्शंस। कलर जो है इसमें प्लास्टिक के वो दिए हुए हैं और 14% बुल में एरिया है, एक्स्ट्रा स्लिम स्टील है। तो काफ़ी सारे फीचर हैं, तो मैं इसको खोलता हूँ और देखते हैं। तो ये है डार्ट बोर्ड, इसमें है ये मेजरिंग स्केल और ये है इंस्ट्रक्शन, यूनिकॉर्न इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन, और ये है एक वे टू फिनिश का, एक यूनिकॉर्न का। इसमें गैरी एंडरसन, जॉन पार्ट, बॉब एंडरसन जॉन है। और ये रहा हमारा डार्ट बोर्ड, जैसे इसमें दिखाया था कि यूनिकॉर्न का है और प्लास्टिक के वो दिए हैं। बट अभी जो नए वाले जो डार्ट बोर्ड आ रहे हैं उसमें प्लास्टिक के ना होकर मेटल के हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब कई बार डार्ट इन पर लगता है तो टूट जाते हैं, और मेटल का जो है वो नहीं टूटता। काफ़ी अच्छा डार्ट बोर्ड लग रहा है, काफ़ी सुंदर है। और क्या है इसमें, इसमें इसके स्क्रूज हैं, इसमें इसके स्क्रूज हैं, स्क्रूज हैं। तो हम इसको निकाल लेते हैं और इसको रिप्लेस करते हैं। क्या करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। रिप्लेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये हमने डार्ट बोर्ड निकाल लिया है, इसको सेपरेट कर दिया है। तो ये है इसका डार्ट बोर्ड और इसमें ये कुछ स्क्रूज हैं, ये मेजर स्क्रू है, ये कुछ इसके पार्ट्स हैं जो बोर्ड में लगते हैं। इसमें टोटल जो है कुछ नेल्स हैं, कुछ स्क्रूज़ हैं, कुछ बैक साइड सपोर्ट है। तो ये आपको सब मिलेंगे और ये इसका हुक है, बट हमें हुक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हुक ऑलरेडी मेरा उसमें लगा हुआ है। तो इसको हम रख देते हैं, इसको हम किसी और बोर्ड पे यूज़ करेंगे और इसका रख देते हैं। ये जो नेल है ये बैक उसके लिए है, तो ये भी हम रख देते हैं। ये भी अब देखते हैं इसमें, ये काफ़ी हैवी बोर्ड है, तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं इसमें एक निशान लगा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ क्लोज से, इसमें एग्जैक्टली सेंटर के लिए एक मार्क लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। और ऐसे कुछ पॉइंट
यहाँ दे रखे हैं और एक पॉइंट यहाँ दे रखा है और एक पॉइंट यहाँ दे रखा है, यहाँ। तो हम क्या करेंगे, इसका जो स्क्रू था बड़े वाला उसको यहाँ फिक्स कर दें और इतना करेंगे कि आपको टाइट भी ना रहे और लूज भी ना रहे और ये छोटे छोटे पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पर, इसमें हम इसको इसमें आप ये देखेंगे तो इसमें एक पॉइंट बना हुआ है, इसी पॉइंट में इसको उसको बाद में थोड़ा सा बिट की मदद से इसको फिक्स कर देंगे जिससे कि ये मूव नहीं करे और ऐसे ही हम ये सेकंड इसको इसकी मदद से और ये है हमारा थर्ड में है ये टाइट और ये हमारा बोर्ड हो गया रेडी अभी लगाने के लिए। तो देखते हैं, ये है हमारा बोर्ड हो गया रेडी। तो पहले हम जो है ये वाला बोर्ड निकाल लेते हैं, ये वाला बोर्ड अपना आउट कर देते हैं और इसको रिप्लेस कर देंगे। तो ये मैंने अपने डार्ट निकाल लिए हैं और ये बोर्ड निकालना बड़ा आसान है, तो मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर किया है। तो मैं ये मैंने ऊपर से इसको पुश करके निकाल लिया है। तो ये मेरा हो गया डार्ट बोर्ड। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ क्या थी, पुराने डार्ट बोर्ड में उसमें कुछ क्लिप दी थी एडजस्ट करने के लिए, वो आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसको भी शायद इसमें प्लेस कर दूँगा जिससे कि मेरा डार्ट बोर्ड और स्टेबल हो जाएगा। वो थी ये वाली क्लिप्स। और इस क्लिप्स का बेनिफिट ये था कि बोर्ड हिलता नहीं था और ये आराम से एडजस्ट हो जाते थे। और इसमें कुछ पीछे स्क्रूज को टाइट करने के लिए भी दिया हुआ है जो कि इसमें भी है बोर्ड में। तो हम इसको निकाल लेंगे और
इसको निकालते हैं और इसको फिर रिप्लेस करते हैं। तो इसको निकालने का आसान तरीका है कि मैं ये शायद ऐसे नहीं निकलेगा क्योंकि इसको दूसरी तरीके से निकालना पड़ेगा। इसके लिए कुछ अदर टूल यूज करते हैं जिससे कि क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेट अस सी कैसे निकलेगा। मेरे ख्याल से ये थोड़ा ट्रिकी होने वाला है, ये थोड़ा ट्रिकी होने वाला है। तो this can be easily, so this is the one, ऐसे ही थोड़ा सा रह गया थोड़ा। ये देखेंगे स्क्रू भी अलग है थोड़े से, ये स्क्रू प्लस नेल है, अब देखेंगे तो नेल है बट स्क्रू की तरह है थोड़ा सा, तो थोड़ा डिफरेंट स्क्रू भी है ये। तो इनको भी मैं उस पर आके, आप देख रहे हैं इसमें ये मेटल के नंबर्स हैं तो थोड़ा सा अलग बेनिफिट। इसको आप कहीं भी लगा सकते हो इसके बीच में,
बेसिकली आपका बैलेंस का काम करेगा, और ये इसके हाइट को और ये हो गया। ये हो गया आपका थर्ड। तो हमारा डार्ट बोर्ड हो गया रेडी, अब इसको करते हैं हैंग। और यदि मुझे लगेगा बाद में तो मैं इसका रिंग भी चेंज कर सकता हूँ। फिर मैं आपको रिंग चेंज करना बता देता हूँ। रिंग चेंज करना बड़ा आसान है, इसको आप हल्का सा लूज़ करेंगे एक तरफ से, ऐसे करेंगे और ये निकल जाएगा। और इसमें से आप ये रिंग निकालेंगे और ये रिंग आप रिप्लेस कर देंगे, तो ये भी बहुत आसान है। और ये देखिए, ये रिप्लेस हो गया। और इसको आप थोड़ा घुमा भी सकते हैं, तो ये। बट फिलहाल मैं इसको सेम कर देता हूँ, थोड़ा सा देखता हूँ कि इसमें क्या चेंजेस हैं, तो मैं सीरिंग को यूज़ करूँगा, यूनिकॉर्न का रिंग है। थोड़ा विजिबिलिटी तो ज़्यादा है, नो डाउट। थोड़े अल्फ़ाबेट का डिज़ाइन डिफरेंट है, और आप इन नंबर को थोड़ा मूव भी कर सकते हो जब आपको लग रहा है कि कुछ इधर हो रहा है। ठीक है, ये देखिए आप, जैसे ये नंबर है इसको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ इसको, और इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, मतलब इसको थोड़ा आगे पीछे कर सकता हूँ। रिमूव करने के लिए इसका कुछ नहीं है, इसके पीछे पॉइंट है जो इसको सेटल कर देता है। तो ठीक है, अब हम इसको लगाते हैं नए डार्ट बोर्ड को और यूज़ करके देखते हैं। ये है, मैं इसको हैंग करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हैंग होगा। तो इसके पीछे जो नेल लगाया था हमने, इसको यहाँ स्टक करेंगे। आप देख रहे हैं थोड़ा लूज है, अभी लग तो गया है, बट इसको मैं टाइट करना पड़ेगा। तो इसको हमें थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा टाइट कर देता हूँ, जिससे कि ये जो है फिक्स हो जाए। अभी भी थोड़ा सा
फिक्स्ड, ये है नया डार्ट बोर्ड। मैं इसकी कॉस्ट भी बताता हूँ अप्रोक्स। ये हमारा डार्ट बोर्ड फिक्स हो गया और अपने डार्ट से आपको मार कर दिखाता हूँ। देखिए ये हिलता है थोड़ा सा लगा, लेकिन बहुत सॉफ्ट है और प्रॉपर। जो मैं ये है और आपको मैं डार्ट थ्रो करके दिखाता हूँ, डार्ट जो है थ्रो करके दिखाता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको आपको नजर आ रहा होगा। बहुत सॉफ्ट आवाज है। यस, बहुत काफी अंतर जा रहा है और काफी सॉफ्ट। यस, लेस थ्री मोर डार्ट्स। तो डार्ट बोर्ड तो काफी सॉफ्ट और काफी अंदर तक जा रहे हैं, यदि आप देख पा रहे हैं तो देखिए काफ़ी अंदर तक जा रहा है और क्लियरिटी भी काफ़ी अच्छी है। मतलब इसका जो बेजल है ब्लेड का ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। आई होप इट विल लॉन्ग। तो दोस्तों अभी तक के लिए यही है, मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नई टिप और टेक्निक और नई चीज़ के साथ और नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि हाउ यू कैन थ्रो ए डार्ट्स